पुस्तक का नाम शिक्षा ही नहीं विद्या भी। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। युग चेतना का प्रचार विस्तार। संयम और सेवा के दो व्रत धारण कर लेने पर आध्यात्म स्तर की कर्मयोग साधना बन पड़ती है। लोक शिक्षण इसी के अंतर्गत आता है। विद्या विस्तार यही है। इसी के माध्यम से चिंतन क्षेत्र पर छाई हुई विकृतियों का निराकरण किया जाता है। यदि मनुष्य सही सोचने और सही करने लगे तो समझना चाहिए कि उसके लिए देवत्व अदृश्य न रहेगा, उसकी आभा और ऊर्जा का प्रत्यक्ष परिचय देने लगेगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए 5 लाख प्रौढ़ परिपक्वों तथा उनके साथ जुड़े हुए 20 लाख गदराय प्रज्ञा पुत्रों की सृजन सेना विनिर्मित होती है। इनमें से 1 लाख भूल चूक के लिए छोड़ देने पर वे 24 लाख हर हाल में हो ही जाते हैं। संयम तब से अपने निर्वाह तथा महत्वाकांक्षाओं में कटौती करने पर इतने स्वल्प साधनों से दिनचर्या बन पड़ती है कि तत्परता और तन्मयता अपनाने वाला हर व्यक्ति समय, श्रम, मनोयोग और साधनों की ढेरों बचत कर सकता है। उस वक्त नव सृजन के लिए लगते रहने पर इतना कुछ बन पड़ सकता है कि महान परिवर्तन की संभावनाएं साकार होने में किसी प्रकार का संदेह न रहे। हर परिजन को न्यूनतम 2 घंटे का समय अपने क्षेत्र में युग चेतना को व्यापक बनाने के लिए लगाते रहने के लिए कहा गया है। 24 लाख व्यक्तियों के 2-2 घंटे मिलाकर 48 लाख घंटे होते हैं। 6 घंटे का एक श्रम दिवस मान लिया जाए तो 8 लाख व्यक्तियों के पूरे दिन के काम के बराबर हो जाते हैं। यह नव सृजन के विविध प्रयोजनों में खपा सकें तो ऐसा उत्साहवर्धक वातावरण बन पड़ेगा जिसकी कल्पना मात्र से पुलकित कर देने वाला उत्साह उमगने लगे। 24 लाख व्यक्ति यदि न्यूनतम राशि 20 पैसे ही एकत्रित करने लगे तो वह 4,80,000 रुपया प्रतिदिन हो सकती है। इसे यदि सृजन शिल्पी विद्या विस्तार के लिए अपने अपने क्षेत्रों में मितव्ययिता एवं सतर्कता पूर्वक लगाने लगे तो उतने भर से अगणित क्षेत्रों की सृजन आवश्यकताएं सहज ही पूरी हो सकती हैं। तब न सरकार से सहायता मांगने की आवश्यकता पड़ेगी और न कहीं दरवाजे दरवाजे चंदा करने की। अपने छोटे परिवार का छोटा अनुदान संयुक्त रूप से इतना समर्थ हो सकता है कि अपनी पहुंच का कोई घर गांव नवयुग का अलग नित्य प्रति सुनते रहने से वंचित नहीं रहे और 1 करोड़ व्यक्ति नव चेतना से अनुप्राणित हो सके। दुर्बुद्धि से भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण उभरता है। दुर्बुद्धि को भी कपड़े की तरह साबुन पानी से धोया जा सकता है। यह दोनों है स्वाध्याय और सत्संग। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि इन दोनों का नाम भर शेष है पर इनका वास्तविक और प्राणवान स्वरूप न जाने कहां तिरोहित हो गया है। फिर दूसरी बात एक और है कि युग की समस्याओं के अनुरूप ही इन दोनों का निर्धारण होता है। युग चेतना युग दृष्टाओं के मानस से उभरती है। इसी प्रकार सत्साहस भी उन्हीं प्राणवान व्यक्तित्वों का काम देता है जो न केवल प्रखर प्रतिभा से संपन्न हो वरन सामयिक उलझनों के समाधान का भी व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। शांति कुंज की युग निर्माण योजना द्वारा युग साहित्य इन्हीं दिनों सजा गया है जिसका मूल्य प्राय कागज शाही जितना ही रखा गया है। कॉपीराइट भी किसी का नहीं है, कोई भी छाप सकता है। इसी प्रकार सत्संग के लिए भी एक सीमित परिधि की विचारधारा निर्धारित की गई है। प्रवचनों में भी सीमित विचारों को गहराई तक उतार देने पर ही बात बनती है, अन्यथा सड़कों पर मजमा लगाने वाले भी कुछ न कुछ बकवास करते और भीड़ जमा कर लेते हैं। ऐसी बकवास को सुनना भी भारी पड़ता है क्योंकि उससे उल्टा और अहितकर चिंतन भी गले बच सकता है। सत्संग के 2 पक्ष हैं, एक गायन दूसरा प्रवचन। यों इन दोनों की आवश्यकता पूरी करने वाली सस्ती पुस्तिकाएं छाप दी गई हैं, पर जिनको और अधिक सरसता चाहिए उनके लिए वीडियो टेप तैयार किया गया है। इनमें सूत्र संचालक के प्रवचन, माताजी के गायन और देवकन्याओं के सहकीर्तन सम्मिलित हैं।
एक टेप ऐसा भी है जिसमें युग परिवर्तन के मूलभूत सिद्धांतों को संक्षिप्त एवं सरल सुबोध ढंग से समाविष्ट कर दिया है। यह टेप शांति कुंज में उपलब्ध है, जिन्हें कोई भी अपने टेप रिकॉर्डर पर बजाकर एकत्रित लोगों के बीच युग प्रवक्ता की, युग गायक की भूमिका निभा सकता है। युग चेतना के प्रचार विस्तार का यह भी एक सरल तरीका है। विद्या विस्तार के लिए साहित्य और वाणी दोनों का उपयोग व्यापक रूप से किया जाना है। ज्ञान रथ, साइकिल यात्राएं, सद्वाक्य लेखन, छोला पुस्तकालय, सत्संग, दीप यज्ञ आदि के माध्यम से सृजन शिल्पी हर क्षेत्र में युग चेतना का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध होकर जुट पड़े, ऐसा माहौल बन रहा है। निर्धारित सीमित समयदान के अंतर्गत ही यह कार्य करते रहना संभव है। झोला पुस्तकालय की प्रक्रिया कुछ दिनों से सफलतापूर्वक चल रही है। कंधे पर लटके झोले में युग साहित्य भरकर अपने परिचय क्षेत्र के शिक्षितों को घर बैठे बिना मूल्य देते रहना और पढ़ लेने पर खुद ही जाकर उसे वापस ले आना। ऐसे पढ़ने वालों को यह भी कहा जाता है कि वे इन पुस्तकों को संबद्ध अशिक्षित लोगों को सुनाते रहने की जिम्मेदारी भी उठाएं। इस प्रक्रिया में युग चेतना से शिक्षितों और अशिक्षितों को समान रूप से अवगत, अनुप्रमाणित होने का अवसर मिलता है। पढ़ चुकने पर यही साहित्य घरेलू पुस्तकालय के रूप में बदल जाता है और परिवार की स्थायी निधि बनकर एक प्रकार का चेतना पुंज बना रहता है। हर महीने नई पुस्तकें खरीदते और भंडार बढ़ाते रहने की आवश्यकता इसी राशि से पूरी हो जाती है, जो हर दिन 10 या 20 पैसे जितना सद्ज्ञान विस्तार प्रयोजन के लिए परिजन स्वेच्छापूर्वक निकालते रहते हैं। यह स्वाध्याय की छोटी किंतु सशक्त प्रक्रिया है। दूसरा पक्ष है सत्संग। इसके लिए प्रज्ञा केंद्र में साप्ताहिक सत्संग चलते हैं। उनमें सहगान कीर्तन, युग साहित्य पठन के आधार पर प्रवचन चलता रहता है। साथ ही थोड़ी सी अगरबत्तियां जलाकर कुछ दीपक थाली में रखकर दीप यज्ञ की पुण्य प्रक्रिया भी संपन्न हो जाती है। कहीं कहीं साप्ताहिक सत्संग के स्थान पर यह प्रबंध किया जाता है कि गृह स्वामी का जन्म दिवस जिस दिन हो, उस दिन अपने स्वजन संबंधी की उपस्थिति में एक छोटा समारोह कर लिया जाए। दीवारों पर आदर्श वाक्यों का लिखना एवं अलमारियों, किवाड़ों, फर्नीचरों, अटैची आदि पर स्टिकर चिपकाना अपने ढंग का एक अनोखा कार्य है, जो उधर से गुजरने या देखने वाले हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और पढ़ने वाले के मस्तिष्क में एक बिजली सी कोंधा देता है। यह कार्य यदि गली मोहल्ले में भली प्रकार कर लिया गया है तो समझना चाहिए यह बोलती दीवारें राहगीरों को ऐसा कुछ निरंतर सिखाती समझाती रहेंगी जिन्हें आदर्शवादी प्रेरणाओं से ओतप्रोत कहा जा सके।